मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए तिहरे हत्याकांड के कई दिन बाद अब जाकर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो सका है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम उत्पल बेहरा है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में हत्या हुई है। आरोपी उत्पल बेहरा ने बंधु प्रकाश को जीवन बीमा की दो किस्तों के लिए पेमेंट किया था। पहली किस्त की रसीद बंधु प्रकाश ने आरोपी को दे दी थी, लेकिन दूसरी किस्त की रसीद नहीं दी थी। बीते कुछ सप्ताह से मृतक और आरोपी के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने कत्ल करने का फैसला किया। उत्पल बेहरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस हत्याकांड के 36 घंटे बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने दावा किया था कि बंधु प्रकाश पाल का संबंध आरएसएस से था। हालांकि मृतक के परिवार ने इस बात से इनकार किया है। मां ने फोन छीना तो 16 वर्षीय लड़के ने किया अपनी किडनैपिंग का नाटक, मांगे 3 लाख रुपए। हैदराबाद में मां द्वारा फोन छीने जाने पर एक 16 वर्षीय लड़के ने अपनी ही किडनैपिंग का नाटक किया और उधार लिए मोबाइल से माता पिता को फोन कर 3 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस के अनुसार लड़का पबजी खेलने का आदी है। हालांकि पुलिस ने लड़के को सोमवार को बस टर्मिनल से रेस्क्यू कर लिया। लड़की का पीछा करने के आरोपी दलित की यूपी में पेड़ से बांध कर पिटाई। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण 18 वर्षीय दलित किशोर को पेड़ से बांधकर पीटते दिख रहे हैं। किशोर ने कहा कि लोगों ने उसे गंजा कर दिया और थूक चाटने को मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि एक ग्रामीण का आरोप है कि किशोर कई महीनों से उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।